শর্টকাট ওয়েতে, এটা হলো আমাদের জন্য সুবিধা। আমাদের কলকাতা থেকে দিল্লি, 3 নম্বরে ছিল যে দিল্লি আহমেদাবাদ, একটা নেটওয়ার্কিং সিস্টেম হিসেবে করা হয়েছে ইজিলি এবং কম সময়ের মধ্যে। 2026 পর্যন্ত এস্টিমেটেড। তাছাড়া ট্রেনের জার্নিটা কিন্তু সবসময় ভালো, অনেক ভালো, আমাদের হাই স্পিড ট্রেনটাও খুব দ্রুত চলে আসবে। তাহলে স্বাগতম সবাইকে, আমরা আজকে আবারও হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের মধ্যে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আর সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার টপ 10 আপকামিং বুলেট ট্রেন করিডোর নিয়ে। আর আমার মনে হয় ইন্ডিয়া অলরেডি ট্রেন কমিউনিকেশন তারা অনেক ভালো, তাদের এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্য এবং প্রত্যেক শহরে ট্রেনের কমিউনিকেশন আছে। তো চলুন তাদের আপকামিং ট্রেনের কমিউনিকেশন কেমন হতে যাচ্ছে সেটা আমরা দেখে আসি। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इसकी परिभाषा की बात करें तो नए रेलवे लाइन ट्रैक पे 250 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कैटेगरी में शामिल किया गया है। और एग्जिस्टिंग या ओल्ड रेलवे लाइन ट्रैक को अपग्रेड करके 200 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक रफ्तार की ट्रेन चलने लायक कॉरिडोर को भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में शामिल किया गया है। और अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी रेलवे लाइन पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में शामिल किया गया है। लेकिन वर्तमान में भारत में कोई भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विश्व के कुछ प्रमुख विकसित और विकासशील देशों में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ऑपरेशनल है, वो भी अच्छे नेटवर्क लेंथ के साथ, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, चाइना, जापान, साउथ कोरिया इत्यादि जैसे देश प्रमुख हैं। और जब बात आती है बुलेट ट्रेन की तो सबसे पहले जापान का नाम ही सामने आता है, और जापान में बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश में बनने वाले टॉप 10 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जिनमें कुछ निर्माणाधीन और कुछ प्रस्तावित कॉरिडोर होंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको जानकारी भी भरपूर मिलेगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के बारे में। मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर वाया सूरत वडोदरा एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाई स्पीड कॉरिडोर है। इसकी कुल लंबाई 508.17 किलोमीटर है और यह कॉरिडोर गुजरात, दादर नगर हवेली और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। इस कॉरिडोर का मैक्सिमम पोर्शन एलिवेटेड होगा, कुछ पोर्शन अंडरग्राउंड होगा और कुछ अंडर सी होगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर शिनकानसेन E5 सीरीज का ट्रेन चलाया जाएगा, जिसको की बुलेट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। इस कॉरिडोर का 348.04 किलोमीटर का पोर्शन गुजरात से, 155.76 किलोमीटर का पोर्शन महाराष्ट्र से और 4.3 किलोमीटर का पोर्शन दादर नगर हवेली से होकर गुजरेगा। और इस कॉरिडोर में टोटल 12 स्टेशन होंगे। द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 12 फरवरी 2016 में हुआ था और इस एजेंसी का मेन उद्देश्य हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को फाइनेंस, कंस्ट्रक्ट, मेंटेन और मैनेज करना है। और हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन का गठन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन हुआ था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, जिसका उद्देश्य इंडिया में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन करना है। यह कॉरपोरेशन एक SPV ज्वाइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एवं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस रूट के सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे, केवल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन जो कि मुंबई में होगा अंडरग्राउंड होगा। इस कॉरिडोर में टोटल 3 डिपोज होंगे, पहला साबरमती गुजरात में, दूसरा सूरत गुजरात में और तीसरा ठाणे महाराष्ट्र में होगा। वर्तमान में मुंबई से अहमदाबाद तक का ट्रेवल ड्यूरेशन 6 घंटा है दुरंतो एक्सप्रेस से, लेकिन हाई स्पीड कॉरिडोर बन जाने के बाद यह ट्रेवल ड्यूरेशन सूरत और वडोदरा स्टॉप के साथ 2 घंटे 7 मिनट में पूरी की जा सकेगी और मैक्सिमम ट्रेवल ड्यूरेशन सभी स्टॉपेज के साथ 2 घंटे 58 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इंडिया जापान से इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए शिनकानसेन E5 सीरीज इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के 24 ट्रेन सेट परचेस करेगा। अगर बात करें लैंड एक्विजिशन की तो वर्तमान में 60% लैंड एक्वायर हो चुका है इस पूरे कॉरिडोर का, जिसमें गुजरात में रिक्वायर्ड लैंड एक्विजिशन में 77% लैंड एक्वायर्ड हो चुका है। दादर नगर हवेली में रिक्वायर्ड लैंड एक्विजिशन में 80% लैंड एक्वायर्ड हो चुका है और महाराष्ट्र में रिक्वायर्ड लैंड एक्विजिशन में
22% लैंड एक्वायर हो पाया है। अगर बात करें इस कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की तो कुल 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस कॉरिडोर के निर्माण में, एवं इस राशि में 24 ट्रेन सेट के प्राइस, लोन पर लगने वाला ब्याज और इम्पोर्ट ड्यूटी के कॉस्ट भी शामिल है। और इस प्रोजेक्ट पर लगने वाले टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 81% अमाउंट द जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA द्वारा फंड किया जाएगा लोन के रूप में, वो भी मात्र 0.1% ब्याज दर पर 50 सालों के लिए। इस कॉरिडोर पर इनिशियली 70 डेली ट्रेन सर्विसेज ऑपरेट की जाएगी, 35 सर्विसेज इन ईच डायरेक्शन, और एक ट्रेन सेट में 10 से 16 कोचेज होंगे जिसकी क्षमता 750 पैसेंजर्स से 1250 पैसेंजर्स तक होगी। और अगर पैसेंजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि इस रूट पर इंड टू इंड फेयर लगभग 3,000 रूपए होगा प्रति व्यक्ति इन रिजर्वेशन कोटा, और मिनिमम 250 रूपए होगा प्रति व्यक्ति इन अनरिजर्व कोटा, जिसको हम जनरल अनारक्षित क्लास भी कहते हैं। तो जी हाँ, बुलेट ट्रेन पर मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास के लोग भी ट्रेवल कर सकते हैं, और बुलेट ट्रेनों में भी जनरल अनरिजर्व कोचेज होते हैं। और 2 घंटे खड़े होकर ट्रेवल करना मुंबईकर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस मुंबई अहमदाबाद परियोजना की डेडलाइन 2023 है, लेकिन यह परियोजना वक्त पूरा होता है कि नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन पूरा अवश्य होगा। नंबर 2 पे बात करते हैं दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। दिल्ली से हावड़ा वाया नोएडा, मथुरा, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना होकर जाएगी, और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 1625 किलोमीटर होगी। फाइनल DPR कम्प्लीट होने के बाद रूट लेंथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यह दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का मेन फोकस इंडिया के मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर द्वारा कनेक्ट करना है। यह प्रोजेक्ट 2014 है और इस पर डिटेल वीडियो मैं आगे लेकर आऊंगा। दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा, और यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरेगी। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस कॉरिडोर का फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है, जिसको इन कंपनियों ने तैयार किया है, और इस कॉरिडोर में इनिशियली दिल्ली से वाराणसी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 865 किलोमीटर होगी। और इस कॉरिडोर का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR भी इन प्रोसेस है, और उम्मीद है कि 2020 के अंत तक दिल्ली से वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का DPR तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली से वाराणसी के बीच में कुल 12 रेलवे स्टेशन होंगे, और यह रूट पार्शियली एलिवेटेड, अंडरग्राउंड और एट ग्रेड होगा। वर्तमान में दिल्ली से वाराणसी तक का ट्रेवल ड्यूरेशन 8 घंटे है, लेकिन हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार हो जाने के बाद यह दूरी लगभग 4 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इस कॉरिडोर के निर्माण करोड़ 2025 तक तैयार होगा, और इस कॉरिडोर के दूसरी वाराणसी से हावड़ा तक का 760 किलोमीटर का रूट तैयार किया जाएगा। दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 2,27,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह अमाउंट एक एस्टिमेशन है, और इसका कैलकुलेशन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिया गया है, जिनके अनुसार 1 किलोमीटर हाई स्पीड रेल लाइन के निर्माण में 100 करोड़ से 140 करोड़ तक का खर्च आता है। तो इस वीडियो में दिए गए आगे के कॉरिडोर में लगने वाले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को इसी यूनिट द्वारा फाइंड करेंगे। और ध्यान रहे कि मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के कॉस्ट 24 बुलेट ट्रेन्स के प्राइस, इंटरेस्ट और इंपोर्ट ड्यूटीज के कॉस्ट भी शामिल हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह कॉरिडोर दिल्ली से अहमदाबाद वाया जयपुर, अजमेर, उदयपुर होकर जाएगी, जिसकी टोटल लेंथ 886 किलोमीटर होगी, और इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। इस प्रपोज्ड कॉरिडोर को अप्रूव किया जा चुका है और इसका DPR तैयार करना बाकी है। जैसा कि हमें पता है कि अहमदाबाद से मुंबई तक का हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से मुंबई की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हाई स्पीड रेल द्वारा हो जाएगी। यह दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्य और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके निर्माण में लगभग 88,600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, और यह कॉरिडोर 2026 तक बनकर
तैयार होगा। नंबर 4 पे बात करते हैं मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह कॉरिडोर मुंबई से नागपुर वाया नासिक अकोला होकर जाएगी। इसकी टोटल लेंथ 753 किलोमीटर होगी और इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। यह प्रपोज्ड कॉरिडोर अप्रूव्ड हो चुका है और इसका DPR तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी एवं इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, महाराष्ट्र की राजधानी और इस देश का फाइनेंशियल हब मुंबई द्वारा वेल कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि इस क्षेत्र का आर्थिक उन्नति भी संभव हो पाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 75,300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह कॉरिडोर 2026 या 2027 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 5 पे बात करते हैं मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह कॉरिडोर मुंबई से हैदराबाद वाया पुणे सोलापुर होकर जाएगी, जिसकी टोटल लेंथ 711 किलोमीटर होगी और इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। यह प्रपोज्ड लाइन अप्रूव्ड हो चुका है और इसका DPR तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वर्तमान में मुंबई से हैदराबाद तक का सफर 12 घंटे में पूरा किया जाता है, लेकिन इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद यह सफर लगभग 3.5 घंटे में पूरा किया जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 71,100 करोड़ से 99,500 करोड़ तक रुपए खर्च होंगे और यह 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 6 पे बात करते हैं दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। दिल्ली से अमृतसर वाया सोनीपत, पानीपत, करनाल, चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 459 किलोमीटर होगी। इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और यह दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब राज्यों से होकर गुजरेगी। यह प्रपोज्ड कॉरिडोर अप्रूव्ड हो चुका है और इसका DPR जल्द ही तैयार किया जाएगा। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वर्तमान में दिल्ली से अमृतसर तक का ट्रेवल ड्यूरेशन 6 घंटे है शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा, लेकिन यह कॉरिडोर बन जाने के बाद यह दूरी 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी एवं दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 4.5 घंटे से घटकर 1 घंटा 12 मिनट रह जाएगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 61,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह 2026 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 7 पे बात करेंगे चेन्नई मैसूरू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। चेन्नई से मैसूरू वाया वेलोर बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 435 किलोमीटर होगी, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक स्टेट से होकर गुजरेगी। चेन्नई मैसूरू हाई स्पीड रेल लाइन कॉरिडोर चेन्नई तिरुवनंतपुरम हाई स्पीड रेल लाइन कॉरिडोर का पार्ट है। यह एक प्रपोज्ड कॉरिडोर है जो कि अप्रूव्ड हो चुका है और इसका DPR तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह कॉरिडोर सदर्न इंडिया में बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और चेन्नई से बेंगलुरु तक की दूरी 5 घंटे से घटकर 2 घंटे तक रह जाएगी और मैसूरु से चेन्नई की दूरी को 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और एस्टिमेशन है कि यह कॉरिडोर 2028 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 8 पे बात करते हैं मैसूरू थिरुवनंतपुरम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। मैसूरू से थिरुवनंतपुरम वाया कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, कोल्लाम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 415 किलोमीटर होगी और यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल स्टेट से होकर गुजरेगा। यह कॉरिडोर चेन्नई थिरुवनंतपुरम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पार्ट है। मैसूरू थिरुवनंतपुरम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रपोज्ड है जो कि अप्रूव्ड हो चुका है और DPR तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज होगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 45,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और एस्टिमेशन है कि यह 2030 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 9 हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। हैदराबाद से चेन्नई वाया दोरनाकाल, विजयवाड़ा, गुंटूर, ओंगोल, नेल्लोर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 664 किलोमीटर होगी, जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरेगी। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह कॉरिडोर प्रपोज्ड है, इसको अप्रूव किया जा चुका है और इसका DPR तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद चेन्नई से हैदराबाद तक का ट्रेवल ड्यूरेशन 13 घंटे से घटकर 3 घंटे तक रह जाएगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 66,400 करोड़ से 92,960 करोड़ तक रुपए की लागत आएगी और संभावना है कि यह कॉरिडोर 2030 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 10 पे बात करते हैं दिल्ली देहरादून हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। दिल्ली से देहरादून हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 200 किलोमीटर होगी और यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरेगा। यह कॉरिडोर प्रपोज्ड है, इसको अप्रूव किया जा चुका है और इसका DPR तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा से 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर लगभग 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिससे कि उत्तराखंड का आर्थिक विकास और टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग
लगभग 20,000 करोड़ से 28,000 करोड़ तक रुपए खर्च होंगे और फिलहाल इसका डेडलाइन नॉट अवेलेबल है। तो ये तो था हमारे देश में टॉप 10 अपकमिंग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की जानकारी। इन सभी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद निश्चित तौर पे हमारे देश में रेलवे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 4 चांद लग जाएगा और इन सभी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के इर्द गिर्द इकोनॉमिक एक्टिविटी एवं नए इन्वेस्टमेंट रीजन का विकास होगा जो कि हमारे देश की आर्थिक तरक्की में सहायक सिद्ध होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। ভিডিওটি খুব ভালো লেগেছে, কেননা ভিডিওতে অনেক ইনফরমেশন ছিল। আমরা যে চ্যানেল থেকে ভিডিওটি নিয়েছি সেই চ্যানেলটি হচ্ছে স্মার্ট সিটি গাইড। এই ভিডিওতে উনি নতুন আসছে এমন 10টা করিডোর ট্রেনের ইনফরমেশন দিয়েছে। এছাড়াও কিন্তু আরও অন্য অন্য হাই স্পিড ট্রেনের কমিউনিকেশন কিংবা নতুন প্ল্যান তাদের কাছে আছে। এখানে শুধুমাত্র আমরা টপ 10 করিডোরের ট্রেনের প্ল্যানিং চলছে সেটা দেখতে পেরেছি। এর মধ্যে সবার প্রথমে যেটা ছিল, লক্ষ্য করেছে যে ট্রেনের সবগুলা শেষ হবে কিন্তু 2026 সালের মধ্যে অনেকগুলা শেষ হওয়ার কথা। হ্যাঁ, এখানে যে টপ 10 এর মধ্যে যে ট্রেনের কাজগুলো চলছে এই সবগুলোই মূলত প্ল্যান, এটা প্রপোজ যে 2026 এর মধ্যে এগুলো শেষ হবে, এরপর তারা হয়তো আবার নতুন প্ল্যান করবে। আর এর মাঝখানে একটা কাজ কিন্তু অলরেডি চলছে, যেটা হচ্ছে আহমেদাবাদ থেকে মুম্বাই পর্যন্ত, যার ডিস্টেন্স হচ্ছে 508 কিলোমিটার। তো এই এটার কাজ অলরেডি চলছে এবং এটার কিছু অংশ বলছে যে উপর দিয়ে যাবে, কিছু অংশ মাটির নিচ দিয়ে যাবে, আবার কিছু অংশ সাগরের নিচ দিয়েও যাবে। কারণ আহমেদাবাদ থেকে যদি শর্টকাট ওয়েতে মুম্বাই আসতে হয় তাহলে অবশ্যই সাগরের একটা অংশ পড়ে। এ হচ্ছে তাদের প্রথম যে টপ 10 কমিউনিকেশন চলছে হাই স্পিড ট্রেনের, এর একটা হচ্ছে গিয়ে মুম্বাই টু আহমেদাবাদ, এটা তো ওয়ার্কিং। আর দ্বিতীয় যেটা চলছে সেটা হচ্ছে দিল্লি কলকাতা, যার ডিস্টেন্স হচ্ছে 1,625 কিলোমিটার। এটা আমাদের অনেক অনেক মানে বড় একটা এরিয়া, কিন্তু অনেক বড় ডিস্টেন্স। হ্যাঁ, অনেক বড় ডিস্টেন্স পার হতে হচ্ছে। আর এটা হলো আমাদের জন্য সুবিধা, আমাদের দেশ থেকে অনেকে দিল্লি যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে কলকাতা যেয়ে, তারপর তারা বাই ট্রেনে দিল্লি যায়। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় লাগে, তো এখানে কিন্তু সময় অনেক কমে আসবে। কারণ নর্মালি যদি 12 ঘন্টা লেগে থাকে তাহলে হাই স্পিড ট্রেনের ক্ষেত্রে স্পিডটা 4 ভাগ করে কমে আসে, সেক্ষেত্রে 3 ঘন্টায় কলকাতা থেকে দিল্লি। এটা কিন্তু বলছে যে ম্যাক্সিমাম কিন্তু তারা হচ্ছে 320 কিলোমিটার, এরকম একটা ইনফরমেশন দিয়েছে। যদিও 500 কিলোমিটার পর্যন্ত তাদের টার্গেট আছে, জাপানের মতো তারা স্পিড করবে, সেটা অন্য অন্য রেল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে হয়তো করবে। তারপর 3 নম্বরে ছিল যে দিল্লি আহমেদাবাদ, যেহেতু আহমেদাবাদ থেকে মুম্বাই একটা কমিউনিকেশন যাচ্ছে, তো দিল্লি থেকে মুম্বাই শর্টকাট যেতে গেলে তাহলে তাদেরকে আবার আহমেদাবাদ আসতে হবে। তো সব কিছু আসলে একটা নেটওয়ার্কিং সিস্টেম হিসাবে করা হয়েছে, শর্ট শর্ট করে করা হয়েছে, যে দিল্লি থেকে আহমেদাবাদ, আহমেদাবাদ থেকে মুম্বাই, আবার মুম্বাই থেকে নাগপুর করছে, নাগপুর থেকে আবার কিন্তু হায়দ্রাবাদ করছে, আবার কলকাতা থেকে হায়দ্রাবাদ করছে। একটা এমন একটা সার্কেল তারা তৈরি করছে যাতে সমস্ত বড় সিটিগুলোর সঙ্গে কমিউনিকেশন করা যায় খুব ইজিলি এবং কম সময়ের মধ্যে। হ্যাঁ, হচ্ছে আপকামিং হাই স্পিড রেল কমিউনিকেশন ইন্ডিয়ার প্ল্যান। তাছাড়া তাদের দক্ষিণের যে এরিয়া আছে সেইখানে অমৃতসর, বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাই, এর মাঝখানেও কিন্তু অনেকগুলো আলাদা আলাদাভাবে হাই স্পিড ট্রেনের কমিউনিকেশন করা হচ্ছে। তো এই সবগুলো প্রজেক্ট 2026 পর্যন্ত এস্টিমেটেড, তাছাড়া কিছু প্রজেক্ট 2030 পর্যন্ত। হ্যাঁ, আর আপকামিং হয়তো আরও কিছু আসবে যেগুলো হচ্ছে টপ 10 এর বাইরে আছে, ওগুলো তো আরও পরে হয়তো বা আসবে। তো দেখা যাবে 2030-এর পরে যদি আমরা কেউ ইন্ডিয়াতে যাই তখন আসলে ইন্ডিয়ায় মুভমেন্ট করাটা খুব একটা কঠিন কিছু হবে না, হাই স্পিড ট্রেন ইউরোপের মতো আমরা ইন্ডিয়াতেও পেয়ে যাব। আমার কাছে মনে হয়েছে যেটা যে ট্রেনের জার্নিটা কিন্তু সবসময় ভালো, কমফোর্টেবল কমফোর্টেবল, তো সেই কারণে হয়তো তারা ট্রেনের দিকে বেশি ঝুঁকছে। অলরেডি তাদের তো ট্রেন কমিউনিকেশন অনেক ভালো, ভালো আমাদের তুলনায় তো অনেক ভালো, অনেক ভালো। আর ওখানে যেটা করেছে, শোনো, এখন যে ট্রেন কমিউনিকেশন আছে সেটা কিন্তু ব্রড গেজ আছে, তো যখন হাই স্পিড ট্রেন করতে যাচ্ছে তখন কিন্তু পুরোটা হয়ে যেতে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড গেজে, মিটার গেজ লাইনের মধ্যে দেওয়া হবে। তো আশা করব ইন্ডিয়ার মতো আমাদের দেশেও হাই স্পিড ট্রেন আসবে এবং আমরা যতদূর প্ল্যানিং দেখতে পারছি যে আমাদের ঢাকা থেকে চিটাগাং পর্যন্ত একটা হাই স্পিড ট্রেনের পরিকল্পনা আছে আমাদের গভর্নমেন্টের।
সো আশা করব আমাদের হাই স্পিড ট্রেনটাও খুব দ্রুত চলে আসবে, তাহলে আমরাও খুব অল্প সময়ে ঢাকা থেকে চিটাং যেতে পারবো। এছাড়া চিটাং ছাড়া রাজশাহী, খুলনা এবং রংপুরের ক্ষেত্রেও কিংবা সিলেটের ক্ষেত্রেও আমাদেরও হাই স্পিড ট্রেন আসবে বলে আমরা আশা করি। আশা করি আমাদের আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে, ভিডিওটি খুব ইনফরমেটিভ ছিল। তো আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের আজকের ভিডিওটি কেমন হলো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।